I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पर कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और आज लेकर के आया। मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वो फ़ोन कॉल के बाद भी, और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ और आपसे मिलता रहूँ और बाल मिठाई लाता रहूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ श्रीकांत, बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट नो अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर, ओनली वी हैव दिस प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू यू इमीडिएटली आफ्टर द मैच। अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है, अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर, बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज़ है सर जो हम सारे प्लेयर्स मिलके डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे सर। नहीं नहीं सबने खेला तो है, लेकिन ये मामूली काम नहीं था जी, आप भले सरलता से बताए हो, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद जब लग रहा है कि सामने है मामला, जब लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज़्यादा कसौटी हो जाती है तो आपके दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट मैं एक्चुअली खेल पाया सर, जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज करके मैं सोचता हूँ सर, और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था, और मैं बस कोर्ट में जिस समय मैं कोर्ट में उतरा बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा आप विश्व रैंकिंग में नंबर एक रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर सफलता की अपनी एक विशेषता होती है, फिर भी जैसे पत्रकारों का आदत होती है वैसा सवाल मैं अगर पूछूं कि इन दोनों में से किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये दोनों मेरा ड्रीम है सर कि वर्ल्ड नंबर वन बनना है, क्योंकि वो एवरी प्लेयर का एक ड्रीम होता है सर कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना है, और थॉमस कप ऐसा टूर्नामेंट है जो टीम 10 लोग मिलके एक टीम जैसे बन के खेलना है, ये एक ड्रीम है सर, क्योंकि इसके पहले इंडिया थॉमस कप में कभी हम मेडल भी नहीं जीता सर, और हमको इस साल ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे, तो ये दोनों ड्रीम है सर और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी, लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फ़ोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में
चार से घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अजय श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है, ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूँ, लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई दे करके खुद आनंद ले रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जरा खेल के विषय में बताइए, अपना अनुभव बताइए। डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत मेमोरेबल था सर लाइफ में। जैसे हम ऑन कोर्ट पे खेला, ऑफ कोर्ट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था पूरा टीम, बहुत मेमोरेबल था, बहुत सपोर्ट मिला सपोर्ट स्टाफ से और इधर से इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला था और बहुत अच्छा लगा सर पिछले दिन। अभी भी हम लोग उधर ही थाईलैंड में ही हैं अभी भी। हम बॉडी इधर है लेकिन माइंड उधर ही, लास्ट पॉइंट में जैसे श्रीकांत भाई जीता आग पे ही है सर अभी भी, तो हम वो मोमेंट स्टिल एंजॉय कर रहे सर। रात में कैप्टन डांटता हुआ दिखता होगा। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोया सर, कोई उतारा नहीं। मैंने किसी का ट्वीट देखा सर, प्रणय का देखा, प्रणय वो लेकर के बैठा है और कह रहा है मुझे नींद आ रही है। अच्छा, खेलने के बाद आप वीडियो देख करके क्या कमी रही वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं? हाँ सर, दोनों मिलकर कोच के साथ बैठ के। हाँ। मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे उनका गेम पूरा एनालाइज करके जाते सर। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज इसका परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सर। चिराग शेट्टी। देखो चिराग, सात्विक ने तुम्हारी तारीफ बहुत कर दी है। सर नमस्ते सर, पहली बात आई थिंक सर मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था 120 एथलीट से, और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था, जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर, तो हमें काफ़ी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था, तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर, और मैं वही एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर। देखिए आप लोग आए थे उस समय, उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे, और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहाँ पहुँचना वो भी अपना एक मेडल है, मैंने उस दिन कहा था। और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय पराजय नहीं होता है जिंदगी में, जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है, और आपने करके दिखाया है। अच्छा चिराग, मैंने सात्विक को तो पूछा उसने बता भी दिया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी, और मुझे मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके मन में एक उदासीनता थी, लेकिन आज
आपने उसको ब्याज समेत भरपाई कर दिया, देश की शान को और बढ़ा दिया, और एक टीम के तौर पर आप लोगों ने प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि अपने आप में। लेकिन जब, क्योंकि ओलंपिक में निराशा का दिन कोई ज्यादा दिन नहीं गए हैं, इतने कम समय में वो कौन सा जज्बा था कि आप विजय प्राप्त करके फिर से लौटे हैं, क्या कारण हुआ? सर, मेनली था कि हमें ओलंपिक्स में, जैसे मैंने बोला कि हमको बहुत काफ़ी दुख था, क्योंकि जिसने हमको, हमने जिसको हराया वो इवेंचुअली जाके गोल्ड मेडल जीता, और हमसे ही आ रहे थे उन लोग एक ही गेम, बाकी किसी से हारे नहीं थे उसके बाद। तो इस बार कुछ उल्टा हुआ, हम उनसे हारे प्री क्वार्टर फाइनल ग्रुप स्टेज में, और हम जाके वहाँ पर गोल्ड जीत गए, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। वो किस्मत का खेल कही है या कुछ कही है, बट मतलब हमें लिटरली कुछ अलग ही जोश आ गया कि कुछ तो कुछ करना है। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, हम 10 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हम एक साथ थे। और मुझे लगता है ये 10 लोग हमारी भारत की जनसंख्या को एक्चुअली दिखाता है कि कुछ भी हो हम लोग फाइट बैक करेंगे। वाह, देखिए चिराग, आपको और पूरी टीम को मैं कहूँगा, और भी बहुत मेडल लाने हैं, और बहुत खेलना है, बहुत खेलना भी है, और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, और ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नमस्ते सर, थैंक यू। लक्ष्य सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा, और वो आज लेकर के आया। तो उसने याद रखा। हाँ लक्ष्य, बताइए जी। नमस्ते सर, मैं जैसे मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था, और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वो फ़ोन कॉल के बाद भी, और जब भी आप मिलते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ, और आपसे मिलता रहूँ, और बाल मिठाई लाता रहूँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ? जी सर, जब हम पहुँचे थे जिस दिन, उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था, बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो फिर एक मैच खेला था, और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं, कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा है। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है जी, तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि मैं, आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो यह कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें, और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तो बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोच रहा कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था, और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा।
10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी और मैं समझता हूँ कि, और दूसरा ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी ज़िंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए बहुत बहुत बधाई। हूँ प्रणय बताइए, मैंने सही कहा ना, तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। सर इट्स बीन अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी वन द थॉमस कप आफ्टर 73 इयर्स एंड आई थिंक इवन मोर प्राउड मोमेंट बिकॉज वी कुड विन इट फॉर अ कंट्री ऑन अवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट गिफ्ट फॉर द कंट्री एंड आई एम रियली हैप्पी। अच्छा प्रणव है, मलेशिया, डेनमार्क ऐसी ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूँ कि उस समय सबकी नज़रें प्रणव पर होगी, क्या रहा होगा, उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊँगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा, बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफ़ी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को, एंड जब कोर्ट स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है, एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुँच गए तो हम लोग ये गोल्ड लेके आ सकते हैं, तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणव, मैं देख रहा हूँ आप एक योद्धा है, खेल से भी ज़्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है, और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूँगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। उन्नति हुडा का, उन्नति सबसे छोटी है। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए उन्नति सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हेयर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अच्छा इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी, नहीं मैं भी बराबर हूँ, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूँ भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी, इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी, बहुत कुछ करना बाकी है, कभी भी चलो यहाँ हुआ है ये जीत के आए ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना, बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुँचना
ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ड्रिजा, एज ए यंग प्लेयर इट्स ए हॉनर टू प्ले फॉर इंडिया। द कमिंग ईयर्स आई विल मेक प्राउड इंडिया एंड गेट मोर मेडल्स फॉर आवर कंट्री। फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसे नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, नाउ इज सैटिस्फाइड? वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूँ देश इसे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे, ठीक है आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह नई ऊर्जा से भर दिया एक, और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की, न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की है, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है, और अब तो आप भी अनुभव करते रहे होंगे हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है, और हमारी विमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ समय की बात है, इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का यह उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है, तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है, और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था इस बार तो हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है, और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।
अच्छा सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं हमें कहां पहुंचना है, बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों आप सभी को एक बात और याद रखनी है, अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है, देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा, दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस दबाव में दब जाना बुरा होता है। हमने दबाव को ऊर्जा में बदलना है, हमारी शक्ति में बदलना है, उससे हमारी प्रोत्साहन मानना चाहिए। कोई कहता है बकअप बकअप बकअप, मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुमको दबाव डाल रहा है, वो बकअप बकअप कहता है मतलब कि यार तो और तेज कर सकते हो, तुम करो, उसे हमें हमारा एक शक्ति का स्रोत मानना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप उसको करके दिखाओगे, और बीते कुछ सालों में लगभग हर खेल में भारत के युवाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, और कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ ज़्यादा करने का प्रयास हुआ है। उसमें भी बीते 7-8 साल में भारत ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, हमारे नौजवानों ने परिणाम दिखाया है, ओलंपिक्स हो पैरालंपिक्स हो, रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद आज मैं सुबह डेफर ओलंपिक्स के लोगों से मिला, कितना बढ़िया प्रदर्शन करके आए हमारे बच्चे, यानी बिल्कुल मन को संतोष होता है, आनंद होता है। इसे आज खेल को लेकर पुरानी धारणाएं भी बदल रही है, जैसा आप सबने कहा माता पिता हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, माता पिता का भी एम्बिशन बन रहा है हाँ बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो एक नया कल्चर नया वातावरण हमारे यहाँ बना है, और ये भारत के खेल के इतिहास में मैं समझता हूँ कि स्वर्णिम अध्याय की तरह है, और जिसके रचयिता आप सब हैं, आपकी पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, जो आज हिंदुस्तान कोई नई नई जगह पे विजय ध्वज लेकर के आगे बढ़ने के लिए कारण बने हुए हैं। इस मोमेंटम को हमें जारी रखना है, बस इसमें जरा भी डलने नहीं आने देनी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहाँ जरूरत होगी करेगी, बाकी व्यवस्था की जो जो आवश्यकता होगी वो भी पूरा करेगी। और मैं सिर्फ मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब हमें रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ करके दिखना नहीं है, हमने आगे ही देखना है, लक्ष्य तय करके जाना है, और विजयी होकर के आना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।